तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और बार आपके अपने बेसिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे न्यूड में रह के हम सीक्वेंस पेंट कर सकते हैं। हाँ गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सीक्वेंस पेंट के बारे में, तो आपको पूरा पता चल जाएगा और वो एकदम बारीकी से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरे तरीके से मैं आज बताने वाला हूँ कि आप कैसे सीक्वेंस पेंट कर सकते हैं न्यूड में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक अलग से फोल्डर बना रखा है ट्रेनिंग का, ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। और यहाँ पे सिर्फ मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं वीडियो देख लेता हूँ एक बार प्ले करके। तो देखिए, ये लड़की है। अब मैं इस लड़की को हटाने वाला हूँ, वो भी पर फ्रेम पेंट करके। ना मैं कोई प्लेट का यूज़ करने वाला हूँ, और मैं इसको हर फ्रेम पे पेंट करके हटाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम न्यूक में से ले आते हैं। तो न्यूक में लाने के लिए आपको सिंपल पता है, आप सिंपल इसे ड्रैग करिए। अगर आपको नहीं पता है आप न्यूक में कैसे कॉम बना सकते हैं, कैसे इसे सेव कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने बारीकी से वीडियो बना रखी है अपने चैनल में। आप जाके देखेंगे, वहाँ मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है न्यूक की, जिसमें मेरे को क्लास वन से लेके क्लास मतलब लास्ट तक जहाँ तक न्यूक खत्म होता है, वहाँ तक हम वीडियो बनाएंगे एक एक करके। तो आप अब जाके देख सकते हैं कि चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो आप वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो गाइस, अब हम आते हैं इस शॉट पे। तो सबसे पहले आपको शॉट पर कोई पेंट करना है, तो आप इसका ऑटो अल्फा चालू कर लीजिए ध्यान से। तो ऑटो अल्फा चालू करने के लिए आपको फोटोज पर डबल क्लिक करना होगा, और यहाँ पे देखिए ऑटो अल्फा की सेटिंग आ जाएगी, इसे ऑन ऑन कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्या करना होगा आपको, आपको इसका साइज सेट करना होगा। तो साइज सेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप फोटोज पर जाइए और उस पर एस प्रेस करिए। आप अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे फोटेज बना के, तो यहाँ पे एक अलग सेटिंग खुली जाएगी जिस पर आप साइज सेट कर पाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैं एस प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, तो देखिए यहाँ पे एक अलग सेटिंग आ चुकी है, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग। और यहाँ पे देखिए कई सारे फॉर्मेट साइज हैं, तो आपको वही साइज डालना होगा जो आपके फोटेज के साइड में ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, और वो तभी दिखेगा जब आपका व्यूअर कनेक्ट होगा। तो आप व्यूअर कनेक्ट कर लीजिए, फिर आपको साइज दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये साइज मैंने सेट कर दिया है, अब हम पेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नोटो पेंट का नोड ले लिया है, तो इसको आपको नहीं पता कैसे ले सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप टैप प्रेस करिए और टैप प्रेस करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं रोटो पेंट। तो यहाँ पे देखिए रोटो पेंट का नोड आ चुका है, और यहाँ पे आप इसे क्लिक करके ले लीजिए। अब ये ऑटोमेटिक नीचे लग के इसलिए आया क्योंकि मैंने फोटेज पर क्लिक कर रखा था, इसलिए लग का आया। अगर नहीं लग का था तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो गाइस, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए क्लोन का एक टूल है, तो यहाँ पे मैं क्लोन के टूल पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्लोन का टूल। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना होगा, नेक्स्ट मैं देखने वाला हूँ एक फ्रेम। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट फ्रेम पे पेंट करने वाला हूँ, तो फर्स्ट फ्रेम पे मुझे पेंट करना है, तो वहाँ तो लड़की है फर्स्ट फ्रेम पे, तो मुझे लड़की गायब करनी है। तो देखिए, मैं लास्ट के फ्रेम पे जा रहा हूँ, तो देखिए लास्ट के फ्रेम पे क्या हो रहा है, जहाँ ये फर्स्ट फ्रेम पे लड़की खड़ी हुई थी, वो लास्ट के फ्रेम पे नहीं खड़ी हुई है। वहाँ पे लास्ट के फ्रेम पे लास्ट की तरफ राइट की साइड जा चुकी है, और फर्स्ट फ्रेम पे लेफ्ट की साइड है। तो हम इससे मतलब रेफरेंस ले सकते हैं लास्ट वाले फ्रेम पे, कि हम फर्स्ट फ्रेम पे पेंट कर पाएँ। तो गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं, हम लास्ट वाले फ्रेम का रेफरेंस लेके फर्स्ट फ्रेम में पेंट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लास्ट वाले फ्रेम पे लेफ्ट में लड़की है ही नहीं। तो इस तरह से आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना होगा, जो ऊपर की तरफ काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना होगा, यहाँ पर करना है आपको एब्सोल्यूट, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट पर आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है आपसे फ्रेम, तो आपको क्या करना है, बीजी पे सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट आपको एब्सोल्यूट पे कर देना है। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बचा है हमारा याला, तो यहाँ पे हम फ्रेम नंबर डालेंगे। तो हम कौन सा फ्रेम का रिफ्रेंस ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ उससे लास्ट वाला फ्रेम का, तो यहाँ से मैंने फ्रेम नंबर डाल दिया है। अब इस तरीके से मैं देखो यहाँ पे क्लोन आपको दिखाता हूँ कैसे हम पेंट करने वाले हैं। तो आप इसे शिफ्ट से बड़ा छोटा कर सकते हैं। और गाइस, आपका मान लीजिए क्लोन से आपने जैसे कंट्रोल दबाया, कंट्रोल से क्या होता है, क्लोन हिल जाता है, मतलब पीछे वाला फ्रेम हिल गया है ये। अगर मैं आपको देखो यहाँ पे अनियन चालू करके दिखाता हूँ, तो अनियन पे क्या होता है, पीछे वाला फ्रेम जो होता है वो देखिए राइट में आ चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिल चुका है। तो आपका कंट्रोल से क्लोन ऐसे ऊपर नीचे हिल सकता है, मतलब ये पीछे वाला फ्रेम हिल रहा है, ये 87 नंबर वाला फ्रेम हिल रहा है जो हमने रिफ्रेश पर डाल रखा है। तो इस तरीके से हम पेंट करने वाले हैं। तो आपको देखिए, आप मान ली हिल गया आपका क्लोन, तो आप यहाँ पे एक बार सेटिंग में जाइए और यहाँ पे आप रीसेट कर दीजिए, तो आपका क्लोन दोबारा से नॉर्मल वही हो जाएगा जो आपका था। तो यहाँ से देखिए अब नॉर्मल हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट फ्रेम पर चले जाता हूँ, यहाँ मैंने 87 डाल दिया है, अब मैं फर्स्ट फ्रेम पर जाता हूँ। तो लड़की तो 87 वाले फ्रेम पर, वो राइट पे है, तो यहाँ पे देखिए मैं अब पेंट करूँगा तो काफ़ी आसानी से हट जाएगी। देखिए, मैं अनियन चालू करता हूँ। अगर आपको नहीं मालूम कि अनियन किससे चालू करते, तो आप टी दबा के भी अनियन चालू कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, तो शॉर्टकट रहता है टी। अब देखिए, मैं यहाँ पे पेंट करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेते हैं ताकि पेंट अच्छा हो। तो आप ओपेसिटी कम करिए, और यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रश का साइज़ भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब ये देखिए, मैं क्लोन जैसे ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लड़की गायब हो रही है काफ़ी आसानी से। तो हमने रिफ्रेंस लिया था 87 फ्रेम का, 87 फ्रेम का रिफ्रेंस लेने से क्या हुआ कि यहाँ पे लड़की नहीं थी हमारे फर्स्ट फ्रेम पे, मतलब 87 पर वो लड़की राइट में जा चुकी है, और फर्स्ट फ्रेम पे हम काफ़ी आसानी से पेंट कर पा रहे हैं 87 का फ्रेम का रिफ्रेंस उठा के। तो आप इस तरीके से काफ़ी फ्रेम पे पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरा फर्स्ट फ्रेम पर गायब हो चुका है लड़की। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्रेम पर ही करके दिखा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट फ्रेम पर भी वही सीन होने वाला है कि यहाँ पर भी लड़की नहीं है नेक्स्ट फ्रेम पर, क्योंकि 87 पर वो लास्ट पे है। तो हम लास्ट फ्रेम का रिफ्रेंस इसलिए ले लिए ताकि वो हर फ्रेम पर हट जाए।
अब यहाँ पे देखिए मैं नेक्स्ट फ्रेम पे भी यहाँ पे पेंट करके आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको क्लोन पे क्लिक करना होगा पेंट का नोड लगाने के बाद, फिर आपको ऊपर सेटिंग में जाके वहाँ पे बीजी कर देना होगा और यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट कर देना होगा और वहाँ पे फिर आपको फ्रेम नंबर डालना होगा। तो सिक्वेंस पेंट जो भी करता है वो रेफरेंस लेके ही पेंट करता है और सिक्वेंस पेंट रेफरेंस लेके ही पेंट होता है। तो यहाँ पे ही मैंने रेफरेंस लिया है 87 नंबर वाले फ्रेम का, तो इसके सहारे से मैं सारे फ्रेम पर हटा पा रहा हूँ लड़की काफ़ी आसानी से। तो गाइस मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ और मैं आपको पेंट करके जल्दी से थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो लंबा देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे पेंट कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने को नहीं मिले। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप VFX के नए हैं और आपको जानना है VFX के बारे में, तो मैंने अपने चैनल में काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है और न्यूक सॉफ्टवेयर के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, सिलाउट के लिए अलग से, आफ्टर फैक्ट के लिए भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए, और उसमें पार्ट टू पार्ट वीडियो डालूंगा। अगर कोई नया बंदा है जो VFX में जाना चाहता है तो वो इन वीडियोज़ को देख के काफ़ी आगे बढ़ सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक नई वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, इससे आप VFX के बारे में काफ़ी अच्छे से जान पाएंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं वीडियो को थोड़ा स्लो करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं 87 वाले फ्रेम के नज़दीक जाए जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो यहाँ पे देखिए मैं पेंट कर रहा हूँ। अब जैसे मैं पेंट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो पैर आ रहा है। पैर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम 87 वाले फ्रेम का रेफरेंस लिए हुए थे, इसलिए यहाँ पे ये पैर आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हम क्लोन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो 87 पर नज़दीक जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो लड़की खड़ी हुई है 87 पर राइट पे, तो हम पेंट करेंगे तो 87 पर रिवील हो जाएगी वो लड़की, तो अपने को अब रिवील नहीं करनी। अब आप क्या करेंगे, अब हम लेंगे किसी और फ्रेम का रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे तो 87 पे देखो लड़की है, यहाँ पे तो अपने पेंट कर ही नहीं सकते उस जगह पे, तो मैं किसी और फ्रेम को देखता हूँ जहाँ पे वो मेरे को क्लीन मिल जाए 87 वाला फ्रेम। तो देखिए मैं पीछे करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 50 फ्रेम मेरे को ठीक लग रहा है, यहाँ पे मैं ओरिजिनल व्यू कर लेता हूँ एक बार, तो देखिए लड़की बीच में खड़ी हुई है, तो मतलब 87 वाला हिस्सा क्लीन है, जो हमारा राइट का हिस्सा जो है वो हमारा क्लीन है। तो मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, बस और कुछ चेंज नहीं करना, बस आपको यहाँ पे 50 फ्रेम डाल देना होगा, कोई और अपना फ्रेम चुन लीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं इधर साइड जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अब ये लड़की पीछे जा चुकी है, तो आप अनियन दबा के देख सकते हैं काफ़ी आसानी से कि आपकी जो लड़की जो है वो किधर साइड जा चुकी है। तो यहाँ पे देखिए पीछे जा चुकी है, अब मैं दोबारा से यहाँ पे क्लोन कर सकता हूँ काफ़ी आसानी से। तो आपको अगर पार्ट टू पार्ट में हटाना है तो आप ऐसे हटा सकते हैं कि आप बाबा अपना फ्रेम चेंज करिए, रेफरेंस फ्रेम जो है उसे चेंज करिए, तो आप काफ़ी आसानी से इस तरह से सिक्वेंस पेंट कर सकते हैं। और ये शॉट जो है, ये शॉट ऐसा है कि यहाँ पे बहुत मतलब थोड़ा सा इजी शॉट है, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं हिल रहा है, सिर्फ इसमें आगे गाड़ियाँ चल रही हैं और यहाँ पे लड़की हिल रही है। अगर बैकग्राउंड हिलता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कैसे आपको जानना है कि आप कैसे बैकग्राउंड हिलने वाले शॉट का पेंट कर सकते हैं, वो भी सिक्वेंस पेंट, तो आप बस मुझे कमेंट कर दिए, मैं जल्दी से जल्द उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो कैसे इस तरीके से आप पेंट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे पेंट कर लिया है हर फ्रेम का, मैं वीडियो थोड़ा स्लो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लास्ट फ्रेम में इस तरह पेंट मार दिया हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें एक बार से प्ले करके देखेंगे कि हमारा वीडियो में आउटपुट कैसा आया। अगर गाइस देखो क्या होता है, कभी कभार जिटर आ जाता है, थोड़ा थोड़ा चीज़ रह जाता है, टांग रह जाती है या फिर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कुछ ना कुछ रह जाता है, तो आप उसको आप ठीक कर सकते हैं दोबारा से, क्योंकि हमने रेफरेंस तो हम ले सकते हैं, ऊपर हम फ्रेम डालेंगे और कहीं पर भी जैसे देखिए यहाँ पे हल्का हल्का थोड़ा सा शैडो रह गया या फिर कुछ कपड़ा रह गया, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं दोबारा से क्लोन करके। तो आपको बस रेफरेंस फ्रेम ध्यान रखना कि लड़की किधर साइड है, अगर आप वहाँ पे 50 फ्रेम के पास जाकर अपना क्लोन मारेंगे तो वहाँ पे वो लड़की रिवील हो जाएगी, क्योंकि 50 फ्रेम वाला हमने होल्ड कर रखा है फ्रेम। तो गाइस देखिए इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से सिक्वेंस पेंट कर सकते हैं किसी भी शॉट में। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट करके दिल की बातें बता सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, और गाइस जय हिंद।